यस, तो यहाँ पे हो गया धोखा, बहुत बड़ा धोखा। ये दो कंटेनर, एक तो ये कंटेनर पूरा टूटा फूटा निकला, धसा हुआ निकला, ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं ऑर्डर किया था। इसके साथ में एक हार्ट शेप का था, एक हार्ट शेप और एक इस शेप का मैंने ऑर्डर किया था, इसमें धोखा हुआ है मेरे साथ। बैक टू बैक तीन कुरियर आ गया है, आज ही के दिन सारा कुरियर आना था, तो बस मैं आ गई हूँ रिसीव करने अपना कुरियर। तो ये आ गया आज का मेरा लास्ट कुरियर, और आज के दिन ही तीन कुरियर आया है, तो बस मीशो से पांच कुरियर आना था, चार आ चुका है, एक का इंतजार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो आज का ब्लॉग कुछ हटके है, पहली बार मैं करने जा रही हूँ मीशो हॉल, तो बने रहिए वीडियो में और देखिए कि आज के वीडियो में क्या क्या है, मैंने क्या क्या मंगवाया है। तो लास्ट वीडियो अच्छी है, अच्छी गई, लोगों ने प्यार दिया, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी कुछ इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के सामने लेके आना चाहिए। और जो भी चीज़ें मैंने ऑर्डर किया वो अंडर 300 ही है सारी चीज़ें, और 300 रुपये के अंदर आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और बहुत ही जेन्युइन चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें जो कि मुझे ऑनलाइन लगी है, अभी अनबॉक्सिंग मैंने किया नहीं है, तो अभी अनबॉक्सिंग करके उसका पूरा रिव्यू मैं आपको दूंगी। मैंने नेट पे देखा और ऑनलाइन देखा तो मुझे अच्छा लगा चीज़, और सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो घर में आपकी ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ें हैं, तो बस वही चीज़ों का मैंने इसमें ऑर्डर प्लेस किया था। तो कुछ ऑर्डर आ गया है और कुछ ऑर्डर अभी बाकी है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले देखिए कितना सारा सामान आया है मेरे पास। तो ये मेरे पास आया हुआ है, ये अभी चार पार्सल आया हुआ है और एक पार्सल अभी आना बाकी है। तो हम अपना पार्सल का अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो ये है, ये मैंने ऑर्डर किया है प्लेसमैट, और ये मैंने ऑर्डर किया है अपने डाइनिंग टेबल के लिए प्लेसमैट्स। तो ये मैट्स जो हैं 186 रुपीस का पैक ऑफ टू है, तो मैंने चार ऑर्डर किया है बिकॉज मेरे डाइनिंग टेबल जो है वो चार के सेट का है, तो उसके लिए मैंने ये मंगवा लिया है। तो बस बने रहिए और देखिए कि कैसा है ये प्लेसमैट। सबसे पहले इस तरह का कुछ मैंने ऑर्डर किया है, और मुझे लग रहा है जैसा मैंने ऑर्डर किया है ना, ये एग्जैक्टली सेम ही आया है, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। तो जो मुझे लोगों ने डराया हुआ था ना कि मीशो से प्रोडक्ट गलत आता है, तो वो सही है, ये बिल्कुल सही आया है। तो इस तरह का प्लेसमैट मैंने ऑर्डर किया है। ये डाइनिंग टेबल पे जब बहुत लुक क्रिएट करना होगा ना, तो उसमें ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बेज कलर में मैंने ऑर्डर किया था, थोड़ा सा डार्क है कलर, बट ठीक है, जो मैंने इसके साथ में ऑर्डर किया है रनर, उसके साथ में ये बिल्कुल सही जाएगा। तो ये पैक ऑफ टू में आता है, दो का 186 रुपीस, और मैं मार्केट से ही एक लेके आई हूँ जो कि मुझे 100 का पड़ा था, तो उस हिसाब से ये मुझे सस्ता ही पड़ा है। तो 186 का ये दो मैट है, और मैंने चार मैट मंगवाया है, तो इसका रिव्यू मेरे तरफ से डन, बहुत बढ़िया। अभी तक जो मैंने ओपन किया, तो मैं सीरियसली, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत डरते डरते ओपन कर रही थी, बिकॉज मैं ना कभी भी ऑनलाइन बहुत कम ऑर्डर करती हूँ चीज़ें, और जब आज मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था,
डब्बे आते जा रहे थे, मैं सारे पार्सल को रखते जा रही थी और मेरे अंदर में ये डर बना हुआ था कि सबको मैं एक बार ओपन करने वाली हूँ, अगर इसका रिटर्न करने का डेट निकल गया तो मैं क्या करूँगी। फर्स्ट सही निकला, डर जो है अब थोड़ा सा कम हुआ है। तो टोटल जो मैंने ऑर्डर किया है वो होम डेकोर और किचन से रिलेटेड चीज़ें ही मैंने ऑर्डर की है, तो ये मुझे बहुत सही लगा। तो इसके लिए तो मेरे तरफ से फुल ऑन 10/10 मार्क है, ये बिल्कुल सही है। इसमें कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसमें रेड कलर अवेलेबल था और शायद येलो भी अवेलेबल था, बट मुझे ऐसे ही वेज कलर में चाहिए था तो मैंने अपने लिए वेज कलर ही ऑर्डर किया है। तो आप लोग भी चाहे तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा पार्सल ओपन करते हैं। मैं पार्सल को ना बिल्कुल उसी क्रम में कर रही हूँ जिस क्रम में ये मुझे रिसीव हुआ है। तो ये है मेकअप ऑर्गेनाइजर, देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। डिसअपॉइंटमेंट, ये जितना बड़ा दिख रहा था ना ये उतना बड़ा नहीं है। तो ये इस तरह का कुछ आपको इसमें मिलता है, ये व्हाइट कलर की बॉक्स, ये देखिए इस तरह से कुछ है। तो दिख बिल्कुल सेम रहा है जैसे और पिक्चर में था। इस तरह से ये ओपन भी कर सकते हैं, तो ये दिख बिल्कुल सेम रहा है, पर साइज जो दिखा था ना ये उससे काफी छोटा ऑर्गेनाइजर है। तो डोंट वरी, इसको मैं अपना स्टूडियो में रख सकती हूँ और यहाँ पे मैं अपने सामान ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकती हूँ। चीज़ अच्छी है, चीज़ में कोई बुराई नहीं है। ये देखो ये मजबूत भी है, चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ सही है। बस मुझे ना ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है साइज़ में, जैसे पिक्चर में जो दिख रहा था ना वो काफ़ी बड़ा दिख रहा था, पर यहाँ पे मुझे थोड़ा छोटा दिख रहा है। मैं आपको अच्छे से एक बारी कैमरा से दिखाती हूँ कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। ये कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है मुझे, आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं चीज़ें और इसके अंदर आप ज्वेलरी वगैरह भी, अपना छोटी मोटी ज्वेलरी जो होती है ना वो ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये आप अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर करके भी रखेंगे तो चलेगा। इस तरह से दो हमें स्टोरेज इसमें दिया गया है, ये देखिए इसमें अच्छा खासा चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि इयररिंग्स हैं, पिंस हैं, तो ये सब चीज़ें आप इसमें आराम से रख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इसको, ये क्या होता है ना ऐसी चीज़ें गुम हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, तो ये उससे बच जाएगा। तो ये भी मैं कहूँगी प्रोडक्ट सही है, बस साइज़ थोड़ी छोटी है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये थोड़ी सी बड़ी होगी, बस इतने का ही फ़र्क है, बाकी चीज़ अच्छी निकली है। तो मेरे तरफ से ओके है ये। चलिए अब ओपन करते हैं तीसरा पार्सल। ये तो मुझे देखने से ही बहुत छोटा लग रहा है, मैंने देखा था ना तो वो बड़ा लगा था मुझे, बाकी अंदर क्या क्वालिटी है वो मैं देख लेती हूँ एक बार। तो इसको ओपन कैसे करें, इसको ओपन करना भी एक टास्क है, इधर भी बंद है इधर भी बंद है। तो ये शायद यहीं से ओपन होगा, हाँ जी यहीं से ओपन होगा। चीज सही है, जो सोचा था बिल्कुल वही हुआ, साइज छोटी है, चीज सही है। तो ये मैंने ऑर्डर किया है, ये देखिए कुछ इस तरह से है, 6 इसमें छोटी छोटी बास्केट्स हैं जिसमें आप लहसुन,
हरी मिर्ची, हरा धनिया स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक बारी आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से हैं और ये एक एक करके बाहर निकल आएंगी। तो इस तरह से ये 6 दी गई हैं और इसमें आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें चाहे तो मैंने जो मंगाया है ना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, इस तरह की चीज़ों के लिए। जैसे मुझे रात को सुबह जल्दी उठना है, सब्जी बना, सुबह कहीं जाना है तो मैं जल्दी उठ करके खाना बना करके ही निकलती हूँ, तो मैं रात में ही तैयारी करके सब इसमें स्टोर कर करके रख दूँगी, जिससे कि फ्रिज में स्मेल भी नहीं होगा, एयर टाइट रहेगा, कटा हुआ रहेगा और मुझे लेना है और यूज़ कर लेना है। तो ये इस तरह की चीज़ अगर आपके साथ में है ना, वर्किंग वूमेंस के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। बस इस बास्केट को फ्रिज से निकाला, किचन में लेके गए और फटाफट फटाफट इसमें बनाया, काम ख़त्म। बार 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 फ्रिज में भागने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे पड़ती है ज़रूरत, तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये चीज़ अच्छी है, तो ये आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। और ये बहुत सस्ती मिली है, 147 रुपीज़ में, ओनली 147 में आया है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। आपको मैं एक बार बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह का कुछ है ये, और इसमें ढक्कन भी है प्रॉपर, तो ये बहुत ही अच्छी है। आप ये देखिए इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो ये भी मुझे बिल्कुल सही लगा, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही प्रोडक्ट आया है। तो मीशो का ये प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा लगा। अब लास्ट जो प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ आपको, वो मुझे मतलब अच्छा ही चाहिए, बिकॉज़ आप लोगों को पता है मुझे बेकिंग बहुत अच्छा लगता है और बेकिंग के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ यूज़ करती रहती हूँ। तो इस बारी मैंने सोचा क्यों ना बेकिंग के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कंटेनर मंगवा लूँ, ताकि मुझे इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हो गया धोखा, बहुत बड़ा धोखा। ये दो कंटेनर, एक तो ये कंटेनर पूरा टूटा फूटा निकला, धसा हुआ निकला, ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं ऑर्डर किया था। इसके साथ में एक हार्ट शेप का था, एक हार्ट शेप और एक इस शेप का मैंने ऑर्डर किया था। इसमें धोखा हुआ है मेरे साथ, और धोखा ही नहीं हुआ, ये देखिए ये पूरा इस कदर से आया है। तो ये लास्ट जो है ना, मन खराब हो गया इसको देख करके, जबकि मैंने बहुत मन से ये ऑर्डर किया था। तो ये बहुत ही खराब निकला है, बहुत ही खराब, डिसअपॉइंटमेंट ओवरलोडेड लिटरली, जिससे ज्यादा उम्मीद थी वही चीज बहुत खराब निकली है। तो मन सच में बहुत खराब हो गया। शुक्र है इसको पहला मैंने नहीं ओपन किया, अगर मैंने पहला ओपन किया होता तो शायद मैं बाकी के अपने पार्सल्स ओपन ही नहीं कर पाती। तो मीशो का ये प्रोडक्ट वर्स्ट है, कोई मत लेना, लिंक शेयर कर दूंगी, कभी मत लेना आप ये। ऐसे कैसे आप भेज सकते हैं किसी को, इतना बुरा आप ऐसे भेज सकते हैं? आप कैसे सोच सकते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट आप किसी को भेज सकते हैं? मैं लिंक शेयर करूंगी, ये प्रोडक्ट कोई भी ऑर्डर मत कीजिएगा, बिकॉज ये जो भी प्रोडक्ट है ना, कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, सारा मैंने अपने पैसा लगा के ही परचेज किया है। और मैं ये अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ आपको, और इसका रिव्यू बहुत खराब है। 3 प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, जो 3 मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया है, पर ये बहुत गंदा निकला। मेरी पूरी जो उम्मीद थी ना, वो सब खराब हो गई है इसको देखने के बाद। अब चेक करती हूँ इसकी रिफंड पॉलिसी क्या है, और इसको मैं रिफंड में डालती हूँ अगर हो सकता है तो, बिकॉज़ ये तो मैं नहीं रखूँगी, बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। तो चलिए
आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलने का भी मन नहीं कर रहा, पता है क्या, लास्ट में जब ऐसी चीज़ निकल जाती है ना तो मन इतना ख़राब हो जाता है कि एकदम बात करने का मन नहीं करता, बट स्टिल क्या कर सकते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए रेखा की दुनिया। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र है और ये लेकर के मुझे खुशी हुई, ये मुझे बुरा नहीं लगा। तो ये बहुत अच्छे से स्टोर कर लिया बहुत सारी चीज़ों को, और ये देखिए इसमें मैंने इस तरह से कुछ अपनी ज्वेलरीज वगैरह रख दिया, इसमें भी ऐसे ही ज्वेलरी वगैरह रखा है, ऊपर भी यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस अपना ये सब चीज़ें रखा है, इस तरह से इसको मैं ऑर्गेनाइज कर पा रही हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बुरा लगा सच में इस तरह से देख के, ना बुरा लगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट मंगाते हैं और इस तरह से आपके साथ में जब डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप एक तो गलत चीज़ दे देते हो और दूसरे ऊपर से उसमें आप टूटा फूटा चीज़ दे रहे हो। बर्तन कोई इस तरह से नहीं यूज़ करता, एटलीस्ट हम नहीं यूज़ करते, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया। एनीवे, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।